तो आज हम लोगों के पास है Redmi 12 Pro Plus और Infinix का Zero Ultra। ये कंपैरिजन जो है क्विक कंपैरिजन है, 200 मेगापिक्सल वर्सेस 200 मेगापिक्सल। तो Infinix का जो सेंसर है ना, वो सबसे बड़ा सेंसर में से एक है जो कि अभी इंडिया में अवेलेबल फ़ोन्स आते हैं। बाहर तो बहुत सारे फ़ोन्स हैं 1 इंच के सेंसर के साथ, लेकिन वो सब इंडिया में भी अवेलेबल नहीं है। इसका सेंसर साइज जो है S22 अल्ट्रा और iPhone 14 Pro Max से भी बड़ा है। इसमें भी सेम 200 मेगापिक्सल का सेंसर है, लेकिन उससे थोड़ा सा छोटा है सेंसर साइज, 1x1.4 इंच का सेंसर है। इसमें 1x1.2 इंच का सेंसर है, तो डेफिनेटली बड़ा है। और इसका अल्ट्रा वाइड भी जो है 13 मेगापिक्सल ऑटो फोकस के साथ है। इसमें वही पुराना 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। तो स्पेक्स वाइज तो Infinix काफ़ी तगड़ा स्टैंड करता है, लेकिन इसका UI और सॉफ्टवेयर जो है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है कहीं ना कहीं Redmi से। तो टेस्ट करते हैं भाई कि कितना फ़र्क पड़ता है इसका। जल्दी से टेस्ट करेंगे, जल्दी से देखेंगे कि कौन सा फ़ोन बेहतर फोटोज़ आपको ले पाता है। तो अगर प्राइमरी कैमरा का बात करेंगे तो देखिए, दोनों ही फ़ोन जो है ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा परफॉर्मेंस हमको बहुत जगह पे दिखा है, लेकिन खासकर अगर पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा नेचुरल हमको Infinix कुछ जगह पे दिखा है, लेकिन एक दो जगह आगे भी दिखाएंगे आपको। शार्पनेस डिटेलिंग के मामले में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट मिलेगा। Infinix थोड़ा सा वार्मर टोन ज़्यादा देता है, लेकिन यहाँ पे भी आपको नेचुरल टोन ज़्यादा Infinix में दिख रहा होगा। Redmi थोड़ा ओवर प्रोसेस करता है और यहाँ पे फॉग जैसा हमको फील हुआ कि Infinix में आ रहा है। तो ये कुछ कुछ फोटोज़ में हमको ऐसा फील हुआ है कि Infinix में ये प्रॉब्लम है डे टाइम में। डायनेमिक रेंज ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा है, कुछ भी उसमें मेजर डिफरेंसेस नहीं मिला। अगर पोर्ट्रेट शॉट्स आप लेते हो ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगेगा कि Infinix ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है। वार्म टोन और कूल टोन में डिफरेंस यहाँ पे है, लेकिन लो लाइट में आप जैसे ही जाते हो तो मिक्स रिजल्ट मिला। कहीं कहीं पे हमको Infinix थोड़ा शार्प लगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डार्क सिचुएशन में आप मूव करोगे तो वैसे सिनेरियोज में हमको Redmi थोड़ा ज़्यादा ब्राइटर लगा। Infinix कॉन्ट्रास्ट ही ज़्यादा फील दे रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा डार्क भी ज़्यादा था। तो ये इस ऐसे सिचुएशन में आपको Redmi जो है ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा। तो डार्क अगर आप लो लाइट में फोटोज़ लेते हो तो Redmi बेटर है, Infinix थोड़ा डे टाइम में ज़्यादा बेटर काम करेगा। तो ये आपके ऊपर रहता है कि आपको कौन सा ज़्यादा फोटोज़ लेना है। तो अल्ट्रा वाइड का अगर बात करेंगे तो वहाँ पे एक जो एडवांटेज मिल जाता है Infinix को कि हायर मेगापिक्सल का, तो उस जगह पे आपको दिखेगा कि शेडोज वाले पार्ट में मैक्सिमम सीनेरियोज में आपको ज़्यादा बेटर डिटेलिंग मिलेगा। और आगे जैसे ही बढ़ते हैं हम लोग, तो डे टाइम में आप अगर शेडोज वाले पार्ट में देखोगे तो नॉइज़ आपको दिख जाएगा Redmi के फ़ोन में। तो यहाँ पे क्लियर एडवांटेज हम बोलेंगे कि Infinix को मिल रहा है अल्ट्रा वाइड में हायर मेगापिक्सल। कहीं कहीं पे यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे Infinix में थोड़ा सा हमको फेडेड टोन लगा था, लेकिन मैक्सिमम सिचुएशन में आप जब शॉट्स लोगे अल्ट्रा वाइड का, उसमें ज़्यादा बेटर शेडो और हाईलाइट वगैरह वाइडर व्यू का सब कुछ का एडवांटेज Infinix में मिलता है। और जो मेजर एडवांटेज मिलता है वो है लो लाइट का। लो लाइट में आपको क्लियरली दिखेगा कि कहीं ज़्यादा नॉइज़ Redmi में आपको दिख रहा है, Infinix में कम नॉइज़ लेवल है, वाइडर व्यू भी है। और एक चीज़ लगा कि Infinix लो लाइट में हमको फोकस हंटिंग करता है, तो कभी कभी फोकस ब्लर भी हो सकता है, ये बात आप याद रखना, क्योंकि मेरे साथ एक दो बार ऐसा हो रहा था। एक्सट्रीम डार्क में तो कोई भी फ़ोन कैपेबल नहीं है लेने के लिए, कोई भी फ़ोन ये नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छा अल्ट्रा वाइड फोटोज़ लेता है, लेकिन इन दोनों फ़ोन्स में अगर कंपेयर करेंगे साइड बाई साइड तो लो लाइट में एटलीस्ट Infinix थोड़ा सा बेहतर फोटोज़ ले लेता है Redmi के मुकाबले। तो पोर्ट्रेट शॉट्स में अगर बात करेंगे तो दोनों ही फ़ोन में से कोई भी एकदम परफेक्ट तो नहीं था कि हाँ ये फ़ोन ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं कि नेचुरली जितना फ़ोटोज़ है ना उसमें Redmi का अलग साइड में था, थोड़ा शैडोज़ को बूस्ट करने में ज़्यादा लगा हुआ था, और Infinix जो है फेस को थोड़ा अच्छे से रखा, मेंटेन किए हुए था थोड़ा बहुत। लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ Infinix भी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन यहाँ कुछ कुछ जगहों पर, मैक्सिमम जगहों पर Redmi से थोड़ा बेहतर काम किया है। एंड का फोटोज़ आप देखना, यहाँ पे देखो Redmi का फोटो कैसा आ गया है, मतलब शेडोज़ को कुछ ज़्यादा ही बूस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग में थोड़ा बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे फेस पे बाल आया हुआ तो उसको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन लास्ट वाले फोटो में देखो Infinix का ये फोटो इग्नोर नहीं किया जा सकता, पूरा फॉगी जैसा फील आ गया। तो अब जूम लेवल देखते हैं दोनों का। दोनों में OIS है और दोनों का 10x मैक्सिमम जूम लेवल है। तो 10x पे मैक्सिमम जूम लेवल पे किसका अच्छा फोटो आता है भाई? तो पहला फोटो में तो Redmi का फोटो थोड़ा हिल गया, क्योंकि मेरे से ही मेरा हाथ हिल गया होगा, तो जिसकी वजह से हो सकता है। लेकिन बाकी सारे फोटोज़ में देखो Redmi ज़्यादा शार्प और ज़्यादा डिटेल्ड फोटो दे रहा है। तो जूम लेवल पे अगर फोटोज़ लेते हो तो भाई Redmi ज़्यादा बेहतर काम करेगा यहाँ। तो अब 200 मेगापिक्सल में देखते हैं कि भाई दोनों फ़ोन में से शार्पनेस किसका सबसे ज़्यादा रहता है। तो जहाँ तक बात आती है भाई 200 मेगापिक्सल मोड का, तो ऐसे में आपको डिफरेंस पता भी नहीं चल रहा होगा ज़्यादा कि कौन सा बेहतर है कौन सा क्या, लेकिन फेस जैसे ही आता है ना तो वहाँ पे Redmi थोड़ा ब्राइटर फोटोज़ देने लगता है। यहाँ पे Infinix में डार्क है, शेडोज़ वाला एरिया पूरा क्रश किया हुआ है, लेकिन हम लोग ने जब 100% क्रॉप किया तो देखा कि Infinix का फोटोज़ में मैक्सिमम फोटोज़ में नॉइज़ है, और जब फेस आता है तो उसके बाद हम लोग को Redmi में नॉइज़ आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा ब्राइटर फोटो देता है। लेकिन शार्पनेस भाई दोनों में बहुत तगड़ा वाला है।
मतलब 200 मेगापिक्सल काम करता है। अगर आपको क्रॉप करके फोटोज़ वगैरह निकालना है तो उसके लिए दोनों ही फ़ोन बहुत तगड़ा काम करेगा, 200 मेगापिक्सल पे आप ले सकते हो। लेकिन ये मोड ऐसे यूज़लेस है बिना किसी बड़ा प्रिंट का। और मैक्रो का बात करेंगे तो डेफिनेटली इन्फिनिक्स में आपको 13 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलता है 2.5 सेंटीमीटर का, तो वो काफ़ी अच्छा ज़्यादा बेटर डिटेलिंग के साथ काम करता है। तो फ्रंट कैमरा देखते हैं कि फ्रंट कैमरा में इसमें 16 मेगापिक्सल, इसमें 32 मेगापिक्सल, क्या मतलब मेगापिक्सल मैटर तो यहाँ पे करता नहीं है, लेकिन देखते हैं कि क्या कर पाता है इन्फिनिक्स अपने कमज़ोर सॉफ्टवेयर के साथ। तो अगर फ्रंट कैमरा का बात करें तो दोनों ही फ़ोन में से क्लियरली हम बोल सकते हैं कि रेडमी ज़्यादा शार्पर और डिटेल्ड फोटो देता है। लेकिन हाँ, किसी को फेस बेस चिकना करके चाहिए, गोरा गोरा चाहिए ज़्यादा फोटोज़, तो इन्फिनिक्स प्रीफर कर सकता है। लेकिन हमको पर्सनली किसी भी सिचुएशन में हो, नॉर्मल मोड में हमको डे टाइम या लो लाइट में हमको रेडमी का फोटोज़ ज़्यादा बेहतर लगा। वहीं अगर हम लोग पोर्ट्रेट मोड में जाएंगे तो दोनों ही फ़ोन अच्छा एज सिलेक्शन वगैरह ले लेता है। रेडमी का बात ही अलग है, रेडमी नेक्स्ट लेवल काम करता है। मल्टीपल फोटोज़ में भी रेडमी ज़्यादा बेहतर काम किया है, और अगर लो लाइट में भी पोर्ट्रेट शॉट्स आपको लेना है तो वहाँ पे भी रेडमी जो है ज़्यादा बेहतर काम करता है। तो इसलिए डेफिनेटली हम बोलेंगे कि आपको हर सिनेरियो में रेडमी जो है ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो 920 जो मीडियाटेक का प्रोसेसर है वो ऑफिशियली अगर वेबसाइट पे देखें तो वहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि 200 मेगापिक्सल का कैमरा सपोर्ट करता है। तो आई डोंट नो कैसे इन्फिनिक्स ने इसको ऑप्टिमाइज़ किया है या क्या किया है या अलग से चिप लगाया है, वो तो उन्हीं को पता होगा। लेकिन आपको क्या पता है, आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है, हम लोगों को सपोर्ट करना है। ये फ्रंट कैमरा का वीडियो है और इसमें आप ऑडियो चेक कर सकते हो कि किसमें किस कैसा ऑडियो आ रहा है। तो दोनों ही फ़ोन जो है बैकग्राउंड को ब्राइट करने में लगा हुआ है, चेहरा को गोरे करने में लगा हुआ है। क्या लग रहा है, कौन सा बढ़िया लग रहा है तुमको अभी फ़िलहाल? इसको डिस्प्ले में रेडमी ज़्यादा बेटर लग रहा है। ये वाला ज़्यादा बढ़िया है। नहीं, वो तो भाई तुमको जो अच्छा लग रहा है वो बोल सकती हो। तो खैर, इसको जो भी रहे, इसको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। तो ये फ्रंट कैमरा का वीडियो है और क्लियरली हम बोल सकते हैं कि इन्फिनिक्स में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट भी दिख रहा है। अब आप कमेंट करके बताइए, डिस्प्ले में तो कुछ भी हो सकता है भाई, तो आप बताइए इसमें कमेंट करके कि क्या लगता है आपको कि कौन सा ज़्यादा बेटर लो लाइट में फ्रंट कैमरा काम कर रहा है। और ये हम एक्सट्रीम डार्क सिचुएशन में आ चुके हैं, ऑडियो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इन्फिनिक्स काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ दिखा रहा है, तो डेफिनेटली बोलेंगे कि यहाँ पे रेडमी ज़्यादा बेटर काम कर रहा है। तो अगर 4K वीडियो का बात करेंगे तो डेफिनेटली हमको Redmi ज़्यादा बेहतर लगा। हम लोगों ने देखा पहले भी कि Infinix वीडियो के मामले में थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, तो इस जगह पे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि Redmi आपके लिए बेटर है, स्टेबलाइजेशन हो या फिर वीडियो क्वालिटी हो, दोनों ही मामले में हमको Redmi ज़्यादा बेहतर लगा। तो 1080p 60fps पे भी सिचुएशन कुछ वैसा ही है। Infinix बहुत ज़्यादा फॉगी वाला फील दे रहा है, ऐसा नहीं था कि उसमें हाथ लगा हुआ था कुछ की वजह से, उसमें बाई डिफॉल्ट ऐसा वीडियोज़ आ रहा है। तो डेफिनेटली इस जगह पे भी हम बोलेंगे कि Redmi ज़्यादा बेहतर। तो 1080p 30fps पे अगर बाई डिफॉल्ट मोड में आप Infinix में जाते हो तो स्टेबलाइजेशन ऑन नहीं होता है। रेडमी कितना तगड़ा स्टेबलाइजेशन OIS EIS दोनों का काम कर रहा है, इसके लिए आपको अलग से ऑन करना पड़ेगा, आपको EIS जाके Infinix में, तो हम ऑन करके दिखाते हैं। तो ऑन करने के बाद भी आप देख सकते हो कि क्वालिटी वाइज रेडमी जो है कितना बेहतर वीडियो क्वालिटी दे रहा है। तो क्लियरली बोलेंगे भाई कि वीडियोज आप अगर शूट करते हो फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा, कोई भी कैमरा से, तो डेफिनेटली रेडमी जो है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बनता है। उस चीज़ के लिए आप Infinix ना ही लो, ज़्यादा बेहतर है। इवन ऑडियो का क्वालिटी जो है वो भी कहीं ना कहीं Infinix से बेहतर रेडमी का। तो अगर अल्ट्रा वाइड का बात करें तो इस जगह पे थोड़ा सा हमको लगा कि Infinix ज़्यादा बेहतर काम किया शार्पनेस और डिटेलिंग के मामले में, थोड़ा वाइडर व्यू भी अच्छा दे रहा था। लेकिन हाँ, ब्राइटनेस और ये सब कंट्रोलिंग ज़्यादा बेहतर रेडमी में था। ये भी हुआ कि बहुत बार Infinix में फोकस हंटिंग हमको फील हुआ, क्योंकि वो ऑटो फोकस के साथ आता है। तो हम यहाँ पे भी वही बोलेंगे कि अगर आपको वीडियोस वगैरह शूट करना है ना, तो अब बेटर है कि रेडमी ही। तो अब बढ़ते हैं लो लाइट वाले वीडियो में। तो प्राइमरी कैमरा में 1080p 30fps में क्लियरली भाई रेडमी बेहतर है, कहीं ज़्यादा बेहतर शार्प और डिटेल्ड वीडियो है। Infinix बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है, तो भाई क्लियरली आपके लिए बेहतर ऑप्शन बन जाता है रेडमी हर सिचुएशन में, वीडियो के मामले में क्लियर भी। तो अगर अल्ट्रा वाइड में लो लाइट वीडियो की बात करेंगे तो इस जगह पे आपको रेडमी में नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा दिख जाएगा, लेकिन क्वालिटी वाइज भी ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा ही रिजल्ट है। कहीं ना कहीं हमको रेडमी का ही वीडियो लो लाइट में ज़्यादा बेहतर लगा, 8 मेगापिक्सल, यहाँ पे 13 मेगापिक्सल से बेहतर काम किया है। तो सीरियसली बोलेंगे कि Infinix को अपने प्रोसेसिंग पे काम करने का जरूरत। तो एक बात तो हम क्लियरली बोलेंगे कि मैक्सिमम सिनेरियोज में, खासकर वीडियो में, क्लियर विनर बनता है रेडमी, लेकिन फोटोज़ के मामले में कहीं कहीं पे Infinix जो है ज़्यादा बेहतर काम करता है। रेडमी को अभी भी ऑप्टिमाइज थोड़ा सा करने का ज़रूरत है। लेकिन हाँ, अगर हमको चूज़ करने में दोनों के लिए बोला जाए कि दोनों में से कौन सा चूज़ करोगे, तो हम क्लियरली बोलेंगे कि रेडमी नोट 12 प्रो प्लस जो है मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन बनता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपके लिए कौन सा फ़ोन गड़बड़ाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।